तो गाइस हम डोडोली ने प्लान कर रखा है सर्वाइवर सीरीज 2019 के लिए काफी बड़ा सरप्राइज। तो क्या हो सकता है वो सरप्राइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको करना है इस वीडियो को लाइक, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो वेट किस बात का, चलिए अब इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि रॉ की टीम सर्वाइवर सीरीज के लिए रिवील हो चुकी है, स्मैकडाउन की टीम भी रिवील हो चुकी है, लेकिन एनएक्सटी के लिए नेम्स सामने नहीं आए। ऐसे में गाइस ट्रिपल एच का होता है इंटरव्यू, जहां पे कि वो बताते हैं कि एनएक्सटी के चार सुपरस्टार तो हमें पता चल जाएंगे सर्वाइवर सीरीज तक पहुँचते पहुँचते, लेकिन जो आखिरी सुपरस्टार होगा यानी कि फिफ्थ सुपरस्टार, वो हमें सर्वाइवर सीरीज के दिन ही पता चलेगा। ऐसे में आप समझ सकते हो कि मतलब ये कितना ह्यूज सरप्राइज हो सकता है। ट्रिपल एच ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी बोला है कि मतलब वो एज ए सरप्राइज मेंबर होगा, तो आप सरप्राइज मेंबर समझ सकते हो। अब ऐसे में हम थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन सा वो सुपरस्टार हो सकता है। पहले तो नाम थी यहाँ पे ट्रिपल एच का, ट्रिपल एच के बारे में बातें थी, क्रिएटिव टीम भी चाहती थी कि ट्रिपल एच आए और फिर सर्वाइवर सीरीज में रेसल करें, लेकिन अब ट्रिपल एच ने क्लियरली बता दिया था अपने इंटरव्यू में कि वो नहीं रेसल करने वाले हैं, क्योंकि वो एनएक्सटी के यंग सुपरस्टार और यंग टैलेंट को देना चाहते हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म जैसा सर्वाइवर सीरीज है। तो गैस सर्वाइवर सीरीज चार मेजर पेपर व्यूज में से एक है, जो सरप्राइज रिटर्न हो सकती है वो हम काफ़ी ह्यूज समझ सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करें अपने हिसाब से, तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे शॉन माइकल हो सकते हैं। इसके साथ साथ शॉन माइकल्स के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं, और जहाँ तक आपको याद होगा कि मतलब जो पहला वीक था स्मैकडाउन पे एनएक्सटी इन्वेट कर रहा था, तो उस समय हमें शॉन माइकल्स विद ट्रिपल एच देखने को मिले थे। तो अगर आप वहाँ पे देखो ध्यान से, तो मतलब ये छोटा बात नहीं है, ये काफ़ी बड़ा टीजिंग हो सकता है। तो ऐसे में शॉन माइकल्स अगर आ जाते हैं एनएक्सटी की तरफ से, तो काफ़ी बड़ा सरप्राइज होगा। आप नीचे कमेंट जरूर करना कि आप शॉन माइकल्स को देखना चाहते हो, और देखना चाहते हो तो आप सर्वाइवर सीरीज को लिए कितना एक्साइटेड हो। तो ये बताना जरूर कि सर्वाइवर सीरीज में अगर शॉन माइकल आ जाते हैं तो कितना एक्साइटिंग हो जाएगा सर्वाइवर सीरीज। तो मेरे लिए तो रियली में काफ़ी ज़्यादा मजा आ जाने वाला है अगर शॉन माइकल्स की यहाँ पर रिटर्न हो जाती है। हालांकि ये कन्फर्म नहीं है, शॉन माइकल के चांसेस ज़्यादा हैं, और कोई भी मतलब ह्यूज रिटर्न होता है तो काफ़ी मजेदार होगा। तो रियली में सर्वाइवर सीरीज एनएक्सटी की तरफ से मतलब हमें कुछ बड़ा सरप्राइज देखने को मिलने वाला है ट्रिपल एच के हिसाब से, तो यही कहना था। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है लाइक के बिना कहीं मजाना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको प्रो रेसिंग से जुड़ी अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहे। तो इस वीडियो का इतना ही, मिलते अपने आने वाली अगली वीडियो में।